अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज़ खान। पाकिस्तान इंडिया के मैच की तारीखी फतह ने पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जो खुशी की एक लहर दौड़ाई है, वही आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस नफासत के साथ, जिस कारीगरी के साथ और जिस डेप्थ ऑफ टेक्निक के साथ पाकिस्तान जीता है, इसकी शायद मिसालें रहती दुनिया तक दी जाएं। और इस कदर ग्रेसफुल वर्क और इस कदर नॉर्मल क्रिकेट की तरह पाकिस्तान टीम की वापसी जो है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जिसे अचीव किया गया। लोगों को आज के दिन ये याद नहीं है कि वो कमाते कितना हैं, उन्हें ये याद है कि पाकिस्तान ने एक तारीखी जो माइलस्टोन है उसे अचीव किया है और 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त दिया। लोगों के जज्बात क्या हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। That's the away movement. It's a bit... This is the ball that Shadab wanted, the runner sitting underneath it takes the catch. भाईजान कैसे हो? कैसे हो भाई? नहीं, सब ठीक है, मजे में। क्रिकेट देखा कल? क्रिकेट कौन देखता नहीं? क्रिकेट क्या पैसा जुआ लगाया? जुआ लगाया था कल? उड़ गया पैसा? कहाँ? खाने के चक्कर में सारा दिन मैं ही नहीं देखा। क्रिकेट क्रिकेट नहीं देखी? देखी कल कौन जीता? हम जीत गए। मुबारक दे, मुबारक। अच्छा, सारा मैच देखा? सारा मैच देखा? सारा देखा? सारा? अच्छा, मजा आया? ये पार्किंग ने और इसकी जो मैनेजमेंट है उसने हालात ये बना दिए हैं कि पूरे का पूरा आपको हार रोड चौक नज़र आता है। और यहाँ से 20 दफ़ा ये आइडिया डिस्कस हुआ कि यहाँ जंजीरें लगा के टायर ब्रस्टर लगा दें ताकि लोग पैदल इधर जाएं, आराम से शॉपिंग करें, लेकिन गाड़ी किधर लगाएं? नो पार्किंग प्लाजाज किसी जगह भी नहीं है, अगर हैं तो वो नाकाफ़ी हैं। तो ये यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं और इन हालात में वार्डन जो हैं वो अपनी ड्यूटी करते आपको दिखाई दे रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम, ठीक। ये क्या हो गया? इम्बैलेंस रहेंगी ये तो, है ना? क्योंकि ये गाड़ी के लिए बना है, इसको प्रॉपर मोटरसाइकिल को इस तरह से इधर मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। ये यहाँ के हालात हैं बेसिकली, और ये पूरा हार रोड आपको इन्हीं मसाइल की जद में नज़र आएगा। ना पार्किंग प्लाजाज हैं, और अगर पार्किंग स्टैंड्स हैं उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो हद नज़र आपको यही नज़र आएगा। ये 3-4 मोटरसाइकिल उठा के लोडर लेके जा रहा है, लेकिन लिफ्टर जो है ये लेके जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको इधर येलो लाइन नज़र आएगी, वो कहीं मादूम हो गई, गुम हो गई, येलो लाइन गुम हो गई। वो छोटे बच्चे से आप पूछे ना कि बड़ा भाई किधर है, तो वो कहता गुम हो गया, तो वो गुम हो गई। तो ये आपको सारा हार रोड इन्हीं मसाइल की जो है वो इर्द गिर्द घूमता हुआ और गर्दाब में नज़र आएगा। क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा खैर। परेशान बैठे हैं? नहीं, परेशान नहीं है, परेशान तो करके रख दिया उसने, यानी कि आटा खरीद के मुल्क आना या चीनी खरीद के मुल्क आनी, वो तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, ठीक है ना? और मुश्किल ही मुश्किल पैदा कर दी है इसने हर काम में, खाने के लापता है। अब घी लेने चले जाए 300 रुपए किलो है। मैच देखा रात? मैच के नहीं? मैच बहुत A1 हुआ है, A1 मैच हुआ था। नहीं, ये क्यों रोक रहे हैं? इधर नहीं लगा सकता? पार्किंग वो दुकान के लिए बैठे हुए इसलिए। अच्छा, दुकान के लिए बैठे। मैच का तो क्या हाल है? तबीयत ठीक है? सब खैर खैरियत? दोनों एक से ही लग रहे हैं मुझे, भाई हैं दोनों? भाई हैं। अच्छा, बड़ी शक्लें मिलती हैं यार। कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोल्टन से आए। वो मैच मुझ भी देखा रात? मैच तो देखा था। बड़ा शारजा का वो मैच है कि मियादाद के बाद उन्होंने दोबारा ऐसा मैच बना दिया है कि वर्ल्ड में मैच माना जाएगा। मियादाद याद आ गया आपको? मियादाद ने जो आखिरी बॉल पे छक्का मारा था, उसके बाद ये समझे कि दूसरा मैच है पाकिस्तान इंडिया का, वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। वो शर्मा ने छक्का खाया था उससे, ठीक है ना? और ये ओपनिंग नहीं तोड़ सके, पाकिस्तान ने ये मैच विन किया है। ओपनर ही नहीं टूटे? देखे, टूटी उनसे। क्या वजह समझ आई आपको? आपको ये वजह कि उन्होंने मैसेज गया बहुत अच्छा न्यूजीलैंड को कि अब वो बड़ा सोच समझ के आएंगे हमारे साथ खेलने के लिए,
कि मैसेज गया उनको, बहुत अच्छा एक मैसेज गया कि उन्होंने कहा यार ये तो दो ही नहीं, इतनी डेप्थ वाली क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली। अंपायर भी कह रहे थे यार हमें यू करने का तो मौका दे दो। कैप्टन अपने आप को खुद देता हुआ निकला ग्राउंड से, उन्होंने कहा यार क्या हुआ। वैसे ही सबसे ज्यादा बेबस एंकरों ने कह दिया था ये फॉर्म में नहीं है। नहीं, सबसे ज्यादा बेबस अंपायर था यार। क्या यार, फिर पहला चौका हुआ उसका लग गया था हाथ बाउंड्री को। हाँ, लग गया था उसने रिजवान का पहला चौका, उन्होंने कहा यार आज उसने छक्का मारा। फिर रिजवान ने तो उनको समझा नहीं, इंडिया टीम है, उन्होंने कहा बच्चे हैं। नहीं तो बाबर ने भी तो नहीं समझा ना उन्होंने। बाबर की बड़ी दिल का शॉट थी, उन्होंने ऑफ की अच्छी। लेकिन 22 करोड़ वाम को कल मजा आया, महंगाई भी भूल गए हम कल। इमरान खान साहब महंगाई भी भूल गए, इतने खुश। ये मेरिट पे हुआ मैच, इस कदर मजा आया। लेकिन आपका मेरा नुकता मुश्तरिक, अंपायर जो है कह रहा यार मैं यू कब करूंगा यार, बता दो मुझे। वो समझे थे पुरानी टीम है ना, जब समझे थे पुरानी टीम है, इनको पुरानी टीम समझे। वो तो ये तो उन्होंने समझे नहीं, इंडियन है ये कौन है, उन्होंने अपना अपनी गेम की है। असल में दुनिया भर में आजकल T20 का जो रिवाज है, इसमें एक एंड जो है ये फास्ट रखते हैं, दूसरा एंड जरा स्लो रखते हैं। तीन रिकॉर्ड बने हमारे, कौन कौन से बोला? वो पाकिस्तान इंडिया कभी 10 विकेटों से नहीं आ रहा, और हम कभी 10 से जीते नहीं। लेकिन देखें आप है यार, ये अल्लाह का करम नवाज है, पाकिस्तान खास करम हुआ है। और वो बच्चे इस समय, और बच्चे जो खेलने वाले थे उनके दिल में भी अल्लाह था उस टाइम, जब टॉस किया ना, टॉस किया हाँ, जब उसने कहा ना ये, मैं कहा मैच जीत गए हम, तस्वीर बदल गई यार उनकी, बुलेट हो गई तस्वीर, बुलेट हो गई। हमने गौर किया था हम उनके, विराट के जो, विराट कोहली के जो जज्बात खत्म हो गए थे। उसने कहा आप इधर आ जाओ, मैं कहा ये मैच मारा है, यहीं से पांसा पलट गया विराट कोहली तो। लेकिन इस डेप्थ से और इस कंटिन्यूटी से जीतेंगे ये नहीं पता था किसी को, ये नहीं पता था। यही था कि यार वो मिडिल ऑर्डर आएगी, थोड़ा लड़खड़ाएगी। हालांकि आपको पता है कि इतना टारगेट भी चेस करने के लिए, इस टाइम इतने दिमाग मोव हुए हुए हैं ना कारोबार से, सो परेशानी है, बिजली का बिल, गैस, कल सब भूल गए लोग। ये अभिनंदन के बाद दूसरी बिस्ती है उनकी, अभिनंदन के बाद दूसरी बिस्ती है उनकी, तैयारी के बाद ये काम मिला हमें। आप कहते गुरबत बुला दी इसने, सब कोई भूल गए हम, हमने कहा यार क्या बात है। अंपायर कैसे सोए होंगे रात, अंपायर वो तो मैदान में सोए हुए थे, पहली इनिंग में 7 दफा आउट का इशारा दिया, नहीं दिया उसने भाई इशारा, नहीं उनको जब वो खेल रहे हैं। हाँ, हमारी तो 7 वो यू करते हैं, 7 दफा कर रहे हैं, पहली दफा ही कर दिया उसने। हाँ, शाहिद अफरीदी तीसरी बॉल पे कर दिया उसने, रोहित शर्मा जब गया, और जब हमारी आई है वो खड़े ही रहे बेचारे यार, का यार कब आउट करना पड़ेगा कोई बता दो। मैं तो उन्हें कैप्टन को कहा, देखा यार अगले ओवर सही, वो अगले ओवर करते करते मैच ही हमें देख, अंपायर को अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा। उन्हें टावल का पीछे से निकाला करो भाई, निकाला करो, मेरे पास टाइमली हाथ सुन हो गए हमारे, हाथ सुन हो गए हमारे। रिजवान ने तो डबलिंग ले लेके उनकी वैसे ही बस कर दी है, उनके हाथ में बॉल थी और रिजवान ने दो लेके ना उनकी बस कर दी थी। उन्होंने कहा इसके बाद मैच नहीं बन सकता, पाकिस्तान ने जो मैच विन किया है ना, बहुत अच्छा विन किया है मैच पाकिस्तान ने। और मैं बता रहा हूँ कि मियां दाद के बाद वो सारी जिंदगी याद रखेंगे कि पाकिस्तान ने ये मैच विन किया है। अच्छा, डबलिंग ले लेंगे उनके हाथों में से डबलिंग ली है रिजवान ने, और उसके साथ बाबर ने भी बड़ा अच्छा खेला है। उसने बताया कि मैं कैप्टन हूँ, और उसने बताया कि मैं कीपर के साथ बैट्समैन भी हूँ साथ। अच्छा, उसने बताया मैं बैट भी हूँ साथ, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला इंशाल्लाह ताला कोई नहीं कर सकता, पाकिस्तान ही है। इंशाल्लाह फाइनल इंशाल्लाह हमारा है। क्या हाल है चाचा आपके, खैर से आप, कहाँ फिर रहे हैं आप? मजदूरी करते हैं। आपने मैच तो नहीं मेरा हर कल देखा नहीं। पता है वैसे क्या हुआ? पाकिस्तान जीत गया। ये कहाँ से पता चला? घर पता लग गया। अच्छा, घर वाले देखते मैच। सलामकुम, क्या कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत है, मिजाज सब सेट, ओके, ऑल इज वेल। मैच की वजह से बहुत खुशी हुई है। अच्छा, जीता है, 70 साल में इतना मैच नहीं हुआ जो अब पाकिस्तान ने जीता है, इतना ग्रेसफुली कभी नहीं जीता। ये कहते हैं कि इसमें कोई सियासत नहीं थी, ये मैच जो ना ली था, मतलब इसमें खिलाड़ी बहुत अच्छे खेल रहे हैं, और जो शाहीन अफरीदी ने काम दिखाया ना उनके, उसी वक्त जो है ना मर गए थे वो, मतलब है कि उन्होंने ऐसे बोल्ड किए ना वो खिलाड़ी, जो 3 खिलाड़ी उनके, रोहित शर्मा और जो 3 खिलाड़ियों ने आउट किए,
मैच ऐसा जीता है कि मज़ा आ गया। घर वाले भी मैच देखते हैं और इतना इंजॉय हुआ है मैच देखने से, इतनी खुशी पहले नहीं हुई जितनी अब हुई है। मज़ा आ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तारीख में इस तरह नहीं, नहीं नो, इतना स्मूथली कभी नहीं जीते, कभी जीते ही नहीं है, तारीख में नहीं जीते। देखिए उस मैच को देख के लग रहा था कि पुरसकून है हमारी जो क्यादत है, जब हमारे कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो रहे थे लगता था वन साइडेड मैच है, ये आराम से जीत, वन साइडेड बिल्कुल आराम से जीत जाएंगे। बुमराह की एक यॉर्कर के अलावा जो जो स्टंप्स को मिस करके गुजरी वो भी थोड़े वाया से गुजरी, उसके अलावा कोई ऐसा चांस नहीं जहाँ एक सेकंड के लिए भी लगा होगे पांच सात पलटेगा या आउट इवन कर सके। ये दिल लगा के खेले ऐसे ही खेलेगा और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत। मेरा ख्याल है नॉर्मल क्रिकेट खेले हैं उसका फायदा हुआ। हाँ, जज्बाती क्रिकेट नहीं खेले। बिल्कुल जज्बाती नहीं खेले, नॉर्मल क्रिकेट का ही फायदा हुआ। हाँ, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं दिखाया जिससे यानी कि ये परेशान हो, टेंशन हो कोई, यानी कि शुरू से इन्होंने यही कहा था मैच जीत के आएंगे हम इंशाल्लाह और वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह, ये न्यूजीलैंड को भी कल हराएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। जीते ट्रॉफी ना लवो, ट्रॉफी पहले गले पे ही है साडे। कैसे हो आप? ठीक हूं। वो मैच मुझे भी देखा कल, फिर क्या हुआ? पाकिस्तान जीता। कब देखा आपने? रात को। देखते रहे पूरा देख के सोए? कौन कौन खेला वो? हाँ। किसी टीम मेंबर का नाम याद है? कौन? बाबर आजम। तेरी खैर, इसे सारा पता है। और कौन था साथ उसके? मुझे बस उसी का पता है। बाबर आजम का पता है, शाहिद अफरीदी का भी पता है। अच्छा, हमारा दुनिया मीडिया ग्रुप चला रहा था हेडलाइन कि बाबर आजम ने हिंदुस्तान फतह कर लिया। ठीक है ना जी, तो आप खुश हो गए, मजा आ गया? कार्टून देखने से ज्यादा अच्छा लगा? बच्चे कार्टून चूंकि बड़े शौक से देखते हैं। हाँ, मेरा बच्चा सर बहुत अच्छा लगा कल जो पाकिस्तान जीता, मतलब के उम्मीदें थी सबको पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जीतेगा, और साथ ये कि बिल्कुल भी इन्होंने प्रेशराइज नहीं खेला, बहुत अच्छा खेला है, और साथ पूरे मुल्क के लिए कल एक मतलब के खुशी का समा था, काफ़ी आतिशबाजी वगैरह भी हुई, मतलब के बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान जीता है। आपको आपके लिए ये अपसेट था? नहीं, ये मतलब आपको यकीन था जीतना? जी, मुझे पूरा यकीन था कि पाकिस्तान जीतेगा। पक्का? जी पक्का। ये कैसे यकीन था आपको? बस यकीन था, एक दिल कह रहा था कि जीतेगा पाकिस्तान। दिल कह रहा था? जी। तो दिल दिल पाकिस्तान ही सुना दो यार। जी चले, ठीक है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी भरता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप सर? हाँ, मैच जी बहुत अच्छा। हम बाबर आजम को जो साहब दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, बहुत हमें खुशी हुई है कि इसी तरह कल के मैच में न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसे ही हराएंगे उनको पूरे पुरजोश के साथ। मजा आ गया आपको? जी, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का भी मसला हम हल कर देंगे। वो कैसे? सिक्योरिटी का मसला आया था ना, वो भी कल काम है, कल इनको सिक्योरिटी पूरी दिखाएंगे। वो कैसे? डर के मारे कहते हैं सिक्योरिटी का खच्चा है, कल हमने मैच नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हारे या जीते हम पाकिस्तान के साथ ही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सहार गुल। क्या? सहार गुल। सहार गुल, सहार भाई आप ठीक है, खैरियत है, मजे में? कहाँ रहता है? क्वेटा। क्वेटा, तो क्वेटा में आपने मुबारकबाद भेजा मैच जीतने पे? मैच देखा था कल? कहाँ देखा था? वो मजंग। मजंग जाके देखा था, बाहर चाय वाले के पास लगा हुआ था। पूरा देखा मैच? कौन खेलता है पाकिस्तान की तरफ से? उसका नाम क्या है? बाबर आजम। बाबर और भी और कमरान रिजवान है ना। और बॉलिंग में किसने अच्छा बॉल किया? उसका नाम है सचिन। शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी है ना। क्या देखते रहे हो तुम? नाम नहीं फिर बताओगे, देखा तो होगा। नाम नहीं। तो क्या टीम को क्या क्या हो गए? आपकी बात सुन रहे हैं टीम वाले, बताएं। अल्लाह उसको बहुत खुश रखे, इसने मैच जीता, ये वतन का नाम रोशन। क्या बात शहजादा, क्या हाल है, क्या से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, आज आप खुश लग रहे हैं मुझे। खुशी कैसे नहीं हुआ, किसके साथ मैच किया हुआ तो मैच तो देखा होगा ना आपने। फिर मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत जबरदस्त मजा आया था। उसने तो ये कह रहा था जब से हम इसने इसके साथ हम खेलता नहीं है, ये हमारे मुकाबले में नहीं है, मगर वो दो बंदे से वो सारा स्कोर पूरा कर दिया, तो उसके मुकाबले में उसे ज्यादा हो गया। जो उसका वो धोनी नाम है, की नाम है वो था,
उसको तो विराट कोहली वो कोहली बोना मैं क्या वो क्या उसे धोनी भी साथ ही था तो उसको वो क्या बन गया अब ये क्या बन गया उसका पाकिस्तान खुशी से जीत गया खुशी से तो सर पूरा पाकिस्तान खुश है जो रात को मैच देखा था मैंने जिससे भी बात की होगी तो गुरबत छोड़े हमें मैच की बात बताएं तो मैच अच्छा खेला है ना किसी के साथ हार जाए कोई मसला नहीं है मगर इसके साथ जो जीत जाए ना इसके साथ जो हार जाता है ना फिर दुख होता है इसके साथ जीत जाएगा ना दिल की खुशी होता है सारा पाकिस्तान का खुशी होता है अकेला हमारा को नहीं कुछ गा के करे ना तो बात है ना जब किसी बच्चे से पूछो वो खुश है किसी बच्चे से पूछो तो रात को आपने देखे थे पटाखे चल रहा था गोली चल रहा था खुशी से तो क्या बात है खुशी पाकिस्तान की खुशी है ना तो थी आपको इसी तरह जीतने की क्यों नहीं कि खुशी कैसे नहीं होते यार कैसे आपको लगता था कि ये जीत जाएंगे पहले ही पता था यहाँ पहले थोड़ा डर था मैं स्कोर जब देखा था ना 6 ओवर था 7वां ओवर शुरू था 2 आउट था हाँ 2 आउट था मैंने कहा ये पाकिस्तान जीत जाएगा मगर उसने 2 बंदे ने पूरा कर दिए तो बड़ी खुशी हो गया फिर वो सारा ताली बजाया सारा मल्ले में जब मल्ले जो होता था ना वो सारा बाहर आया जश्न मनाया जश्न बनाया पाकिस्तान के जिंदाबाद आवाजें लगा रहा था क्या बात बहुत शुक्रिया खान साहब थैंक यू सो मच आप ठीक है हाँ जी सब ठीक ठाक हाँ जी साहब पहली तू दूसरी तीसरी तीन बेगमाद है हाँ जी मैच किस वाली के साथ बैठ के देखा इन्होंने तीसरी के साथ हाँ जी मैच किसके साथ अरे नई बेगम और नया मैच था कल तो मैच कमाल कर दिया पाकिस्तान ने तो नई बेगम के साथ ही देख रहा था ना पुरानी है तो वो पुरानी हो गई ना पुरानी के साथ बैठता तो फिर हमने हट जाना था ना जनाब ये पहले इन्होंने मैच हराए सारे जो पुरानी यही सर देखे ना पुरानियों के साथ बैठकर देखता तो हमारे पाकिस्तान प्लेयर पुराना खेलते ना नहीं यार भाभियां जितनी भी हो एहतराम वाली होती हैं इसमें नई पुरानी तो नहीं होती सर वो नहीं बात बात ये है कि इन्होंने नई भाभी के साथ मैच देखा और हमारे खिलाड़ियों ने नया किरदार अदा किया नए प्लेयर थे और भाभी भी इधर भाभी भी नहीं थी प्लेयर भी नहीं शादी नहीं कर चुके हैं ना जी जी आप वो आपस में सितारे मिला रहे हैं जी 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 सर किसके साथ बैठ के देखा आपने देखा जी मैंने जो मैच देखा है ना मैच के बारे में पहले तबसरा क्या आपका मैच के बारे में तबसरा ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारे इज्जत रखी यानी कि हमारे दुश्मनों के साथ मैच था अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है और अल्लाह का शुक्र इतनी बड़ी कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी यानी कि हम यानी कि अरे ये तारीख पहला रिकॉर्ड जब तक दुनिया कायम है हाँ जी पहला ये आप इसका तज़किरा सुनते रहेंगे बिल्कुल पहला रिकॉर्ड है ये ज़हीर बादशाह भी होते थे जब अच्छा फिर पहला मैच जब इंडिया का हुआ था उस टाइम पे भी फतेह हासिल हुई थी अच्छा भी हुई है अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा मैच हुआ है ये हमारे सदर साहब हैं आप बताएं ना जी जी क्या हाल है बट साहब अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं जी ये देखें एक बेगम का दूसरी बेगम का ये तीसरी बेगम का वाह तीन बेगमात ये बता रहे हैं कि मैंने तीसरी बेगम के साथ बैठ के मैच देखा और ये बता रहे हैं ये भाईजान ये कहते हैं कि सितारे इसीलिए मिले हैं कि नई बेगम के साथ देखा नई टीम थी इस चक्कर में ब्रेक थ्रू मिल गया अल्लाह इनके नसीब में चौथी भी करे जी मैं तो दुआ करूं जिसने हौसला किया तीन किए तो चार पूरा करना चाहिए ना फिर ये हम तो एक भाई एक दफा किए हुए भाई हमारे तो नसीब में दूसरी मेरा ख्याल है ये बात जो आपने मुंह से निकाली है ये भी निकालने के बाद घर में जाना मुश्किल आज हो जाना है कोई बात नहीं वो अब हम तो आपको पिछले रास्ते से जाना पड़ना है वो देखें बात ये आप सारे मेरे बच्चे लाहौर में कोई और आसरा है अल्लाह का बड़ा फजल कोई है यार बेली जो 2 दिन रख ले मतलब देख लीजिएगा आप ही रख लेंगे यार मैं आपके पास आ जाऊंगा इनकार मेरे घर वालों ने ये बात सुनने के बाद तो आपको एंट्री नहीं देनी अच्छा जी मेरे घर भी यही पड्डा चल जाना नहीं नहीं पड्डे वाली बात नहीं आपने कभी गौर किया कि जिस जगह ये बात चल पड़े बेगमात उन दोस्तों को भी अकोमोडेट नहीं करने देती कि नहीं नहीं तुम्हें भी यही मत देगा सही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी ये देखे पाबंदी इसीलिए लगाई है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और उनमें इंसाफ कर सकते हो तो फिर आप 4 तक कर सकते हो ये तो बड़ी क्लियर बात है ना इंसाफ पहले शर्त रखी है ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिश पे देख के हम देखे खूबसूरत आदमी लेकिन इंसाफ है ना ये इसकी देखे नई बेगम को ये दूसरी वाली को या तीसरी वाली को ज्यादा बेहतर पता है कि वो इंसाफ करता है इस वाली के साथ देखा मैच मैंने रात तीनों के साथ देखा है
तीनों के साथ मैच देखा है। अच्छा, तीनों के साथ मैच देखा है। ना करे, मैंने क्या कह रहा है भाई ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, तीनों के साथ भाई बस कैसे हो सकता है। हाँ जी, मैं जाने लगा हूँ, आपने आप बुलाया है तो मैं आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ये तारीखी फतह हुई है, हम इस अपनी टीम के लिए आगे भी फतह के लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया। ये कह रहा तीनों के साथ देखा। हाँ जी, तीनों के साथ कैसे, बस पहली दूसरी तीसरी भाई भाई नए नए ऐसे आई, तीनों के साथ बैठ के कैसे देख सकता है भाई। सर दस दस ओपना सर, मेरा ख्याल है ठीक है। हाँ। एकदम बेगम आ गई, उसने कहा मुबारक हो, फिर उन्होंने चौका मारा, फिर तीसरी आ गई, फिर दूसरी आ गई, इस तरीके से मुबारक, फिर इकट्ठे हो गए। क्या मैंने उस टाइम पे फुल रिजवान चौका ना मारता तो बेगम दला दला था थी। मैं कह रहा हूँ मेरे सिर पे हो जाना तो मारे, मेरी बुढ़ी ने मुझे मारना था पकड़ के, उन्होंने कहना था तुम कैसे मैच खेल के आए हो, कैसा आपने दुनिया 19-20 करती तो मार आपको पड़नी थी। मैं कह रहा हूँ जी मुझे जूतियाँ पड़नी थी, क्योंकि हमारे दुश्मन के साथ मैच था, हमारा बच्चा बच्चा उनके लिए तैयार है लड़ने। भाभी जो पठान है उन्होंने बंदूक फिर निकाला नहीं। कह रहा हूँ जी उन्हें डेजर्ट खिलाया, एक फैर उन्हें करा ऊपर जाके, जब मैच जीता है क्या बात है, उन्हें छत पे जाके एक फैर करा है, तो पुलिस आ गई, हमने साथ ही गन नीचे कर ली, उन्होंने कहा फैर कहाँ पे करा है, हमने कहा हमें नहीं पता भाई किसने करा ये। इस हद तक नौबत आ गई थी। मैं कह रहा हूँ कमाल हो गई हमारे, ये मुल्क का पहला वाकया है जिसने यानी कि टीम हमारी जीती है, बड़े अच्छे नंबरों से जीती है, वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ हुआ क्या ये, वो तो पागल हो गए हैं। वो अक्सर आपने बच्चों से कभी पूछा है, स्टूडेंट बच्चों से कि यार पेपर कैसा हुआ, तो वो कहते हैं अपना आउट ऑफ कोर्स आ गया था। यस हैं, तो कुछ इस तरह का मामला लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, आउट ऑफ कोर्स पर्चा आ गया इंडिया को, वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, सिलेबस कोई और पढ़ते रहे। मैं कह रहा हूँ कि वो रास्ता छोड़ के भाग गए इंडिया वाले, रास्ता छोड़ के भाग गए, वो तो मुझे लग रहा बांग्लादेश में घुस गए। क्या है जी, वो अपना मुंह लेकर ऐसे हो गए जैसे लानत पड़ गई है। क्या है जी, मोदी साहब जो है ना अपने मोदी साहब, वो बिल्कुल ऐसे शर्मिंदा होकर बैठे हुए हैं, समझे कि नहीं, ये हुआ क्या है, हम तो बड़ी तड़िया कराते थे पाकिस्तान। आप बता नहीं रहे हुआ क्या है, ये जो मर्जी बताते जा रहे हैं मुझे। सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन्होंने कहा कि तीनों के साथ बैठकर मैंने मैच देखा, ऐ हो ही नहीं सकता ना ऐसा। सर हुआ ना, दस दस ओवर हुए, छह फिर भी नहीं, मुश्किल है, दस कहते इकट्ठे देखा नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारों की है ना इसलिए इकट्ठे बैठ गए, चाचे की है, एक बाबे की है, एक ताए की है, तीन है, एक दो तीन कैसे ही है, ना करें यार, अजीजों की बैठ सकती है, ओपनी बैठ सकती है, ओपनी तो इसके एक बाल ना छोड़े सर के ऊपर, बाल देखो ना चिटे हो गए हैं, इसीलिए हो गए हैं, फिक्र से होते थे पहले, लेकिन अब क्या पैगाम टीम के नाम आपका। मेरा पैगाम ये है जी, अल्लाह ताला इनको आपको मार पड़ने से बच गई घर से। मैं कह रहा हूँ जी मार बचने से बच गया हूँ मैं, रात नहीं तो बड़ी मार पड़नी थी। क्या है जी, उन्होंने तो दरवाजे खोले थे, इसको धक्का दें बाहर, अगर मैच ना मैं जीतता तो मैं बाहर गया था। क्या इंडिया में कितनों को मार पड़ी होगी, ये सोचे मार पड़ी है जी, लानत पड़ गई उन लोगों के ऊपर, मोदी खास तौर पे ऐसे बैठा हुआ जैसे मर गया ये, वो हमें तड़ी कराता था पाकिस्तान पे हम ये कर देंगे, वो पहले हमारी टीम के साथ तो लड़े, वो अवाम के साथ तो बाद में लड़ेगा, वो बच्चा बच्चा पाकिस्तान के साथ है, हमारा जज्बा बहुत है मुसलमानों का, अगर हम कहीं खड़े हो जाए ना मुसलमान तो वो पीछे नहीं हटेंगे अपने बच्चे। एक बात है, इतनी सोफिस्टिकेटेड और इतनी डेप्थ वाली और इतनी प्रोफेशनल क्रिकेट, हाँ जी आप पहले कभी नहीं देखी। मैं नहीं हुई, हम खुद हैरान हो गए, पूरा वर्ल्ड हैरान है, पूरा पूरी दुनिया हैरान, बिल्कुल हम खुद हैरान हो गए कि उनके साथ हुआ क्या है। शेन वॉन साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं फैन हो गया हूँ, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फेवरेट है, बिल्कुल है, इंडिया को हराने के बाद। हाँ जी बिल्कुल है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होगी हमारी, जितनी ये नीचे गई थी उतनी ऊंचाई पे आई है ये, माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने। फाइनल इंडिया के साथ दोबारा आ गया तो इंशाल्लाह होगा, फिर किस भाभी के साथ देखेंगे फिर। मैं कह रहा हूँ जी तीनों को मैं इकट्ठा बैठाऊंगा इस टाइम पे, तीनों को इकट्ठा बैठाऊंगा। नहीं अगर अगर इंडिया का फाइनल होगा ना फिर भाई एक शादी और कर लेंगे ना। मुझे फैर मरवाने हैं, मुझे फैर मरवाने। कौन मारेगा फैर? वो मेरी जो पठानी है ना, उन्हें कहना लै भाई हूँ फारक है तू, वो तीसरे नंबर वाली है ना, मेरा जनाजा मार रोड पे जा रहा हो, अल्लाह माफ करे। क्या है जी, वो कहेंगे ये बंदा मैच की खातिर मर गया है, मर मिटा मर मिटा। क्या है जी दुनिया क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप ये खाया कभी आपने? नहीं सर मैंने नहीं खाया ये। आप क्यों नहीं खाते? मैं ये मैच का सारा क्रेडिट जो है ना ये अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये मीटिंग की थी जिसमें ये सब खिलाड़ी थे हमारे पाकिस्तान के,
देखिए महंगाई जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो अप्रिसिएशन है वो इंसान को देनी चाहिए। इमरान खान साहब ने ये काम अच्छा किया था, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। आप कह रहे हैं कि खान साहब ने जो प्लेयर्स के साथ मीटिंग की वो काफ़ी अच्छी, उससे उनका मोराल हाई हुआ। ये पहली दफ़ा हुआ है मेरे, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा है कि जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी जो क्रिकेट टीम है हमारी पाकिस्तान की, उनके साथ बैठ के वो टेबल टॉक कर रहे हैं। तो मैं तो उसको, जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब को मैं क्रेडिट पेश करता हूँ। आप वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी शानदार कारकर्दगी? इंडिया के खिलाफ हम जीतते ही हैं, हमारा मोराल बहुत अच्छा होता है। और सिर्फ मुझे ये है कि इन्होंने मोहम्मद आमिर को पता नहीं क्यों नहीं खिलाया, उसकी जगह बनती थी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी भी बेस्ट, एक स्पिनर भी कम है अभी, एक स्पिनर भी बहुत कारीगर टाइप ना। लेकिन सर ये मार्शल स्पिनर तो हैं लेकिन एक स्पिनर की कमी है। वो हमारे पास अच्छे स्पिनर है, हमाद आजम अच्छा है, दूसरा जो वो असल में जो रेगुलर रिक्वायर्ड है ना, जिस क्लास का रिक्वायर्ड है, अल्लाह करे ये चलते जाए इसी तरह, लेकिन जिस क्लास का रिक्वायर्ड है वो भी चाहिए। जल्दी बस ऐसी है, लेकिन मेरे ख्याल में काफी, हाँ भाई काफी अच्छी, हाँ भाई पाकिस्तान की जीत के नाम, पाकिस्तान की जीत के नाम। हाँ वो गाना कौन सा गाया था जी हमने, दिल तोड़ेगा तो दे देंगे, है जी जाके तो वहा सही है जी, ऐसे ही हमने गाना गाया। गाना सुनाए मुझे, फॉर्मूले ना बताएं। पाकिस्तान की जीत के नाम गुनगुनाने लगे आप? जी जी हाँ, पाकिस्तान ये नूरजहां का ये गाना है। क्या क्या दिल दा जानी सयो नी मेरे दिल दा जानी, वेखो नी मुख मोड़ गया जे तो क्यों नी दिल तोड़ गया जे, सयो नी मेरे दिल दा जानी सयो नी मेरे दिल दा जानी, ओ जांदा जे टुरिया कोल जेड़ा बैंदा सी नाल मरांगा तेरे रोज जेड़ा कहंदा सी, हाय नी हुन मुकर गया जे जाके नी तोड़ गया जे, सही नी मेरे दिल दा। बहुत शुक्रिया। आप क्या गुनगुनाने लगे? देखे जी मैंने क्या गुनगुनाना, मेरे भाई ने कहा। आप भी है जी? हाँ कौन सा गाए जी हम, पाकिस्तानी कौन सा गाना गाए हैं? क्या है जी पाकिस्तानी कोई गाना नहीं आता आपको? मुझे तो आते नहीं, मैं तो बात अपने काम से मतलब होता है। क्या है जी, इतने आप शरारती हैं ना। ये पूरे पाकिस्तान को पता है और आपकी शरारतें तो अब हिंदुस्तान तक पहुंच चुकी हैं। नहीं वो तो पहुंच गई हैं, तो फिर पूरी दुनिया में पहुंच गई हैं। फिर क्या सुनाए आपने, मक्खी दही भले मशहूर कर रहे हैं, इटली में मेरा शॉप खोल गई, मेरे नाम से। हाँ जी शॉप खोल गई है, वहां से फोन आ गया कि अभी मक्खी दही भले क्या देखो ना वहां आइए सुनाइए। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की हमेशा रहेगी। बाजी वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? हाउ आर यू सर? फाइन। क्या कर रहे हैं भाई? शॉपिंग कर रहे हैं। क्या लिया? कैब लिया। मैं ही देखा कल। ओ यार वेरी फैंटास्टिक, अच्छा वेरी गुड, वेरी फ्लेमेबल, बहुत अच्छा था, बहुत। हमने फोटोज में देखा, सिनेमा में देखा था, बहुत जबरदस्त, मजा आया, दिल जीत लिया हमारा, दिल जीत लिया। इस तरह की परफॉर्मेंस आपने पहले नहीं कभी देखी होगी ना इस क्लास की? नहीं, इतना ग्रेसफुली जीते, दिल जीत लिया। आपको पता मैं पिंडी से आया हूँ, रावलपिंडी से, मैच देखने के लिए स्पेशली आया हूँ। वहाँ कहीं नहीं लगी स्क्रीन बड़ी? वहाँ नहीं, इधर मैं आया था नेशनल T20 का मैच देखने। अच्छा, और तब से मैं इधर ही हूँ। वो तो क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी, नेशनल प्लेयर हूँ मैं। अच्छा, तो कौन आपका टीम में कौन फेवरेट है? बाबर आजम। और बॉलिंग में? आमिर। आमिर तो अब नहीं है इनमें, इस मौजूद शाहीन स्टार बन गया है, ऑलरेडी स्टार थे लेकिन उन्होंने बड़ा काम। क्या पैगाम है टीम के नाम, मैसेज? ओ बस एक पैगाम है, न्यूजीलैंड हरा दे मन ते साडा दिल जीत लै, बड़ा हर वर्ल्ड कप हार जाए, न्यूजीलैंड हराना है, इंडिया को हरा दिया ना, न्यूजीलैंड को हरा दे। कल उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने का मजा दिया आपको? वर्ल्ड कप जीत गए हैं वो तो, हमने जीत गए थे 2-3 साल पहले, है ना। क्या हाल है आपके भाई? ओ, कोई देखा मैच मूच? जी देखा। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मुझे भी कुछ बताओ कैसा रहा भाई? बहुत अच्छा मैच था। एंकर की तरह बन के बात करें, सुहाग बोल रहा था पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं है, बैटिंग लाइन अच्छी है पाकिस्तान की, बॉलिंग नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर में उनके 3 आउट कर दिए हैं। और अब बाद में सुहाग बोल रहा है कि अब भी 152 रन बनने के बाद कह रहा है ये अभी देखना कि पाकिस्तान टीम 80 पे ऑल टीम आउट हो जाएगी। ये कहा उन्होंने? मुझे पता है जब हारने के बाद सारे गलत निकले उनके, उनको बहुत तजिया गलत है, कभी तोते निकाल रहे हैं कभी कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन पूरा उनके साथ सब गलत निकाला है।
वो कह रहे हैं ये एक आउट होगा इसके पीछे लाइन लग जाएगी पाकिस्तान का। ये हमेशा से होता है, प्रेशर में गेम खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब उनके साथ मीटिंग हुई है इनकी, सहवाग तो कल जो जो कह रहे थे उल्टा होता जा उल्टा हो गया। भजन सिंह जो जो कह रहे थे वो गलत हो गया। और शुएब अख्तर ने कहा था इंशाल्लाह हम जीतेंगे और वो जीत गए हैं। हाँ, शुएब ने कहा जी, शुएब अख्तर ने कहा था कि ये 20 ओवर पढ़ने दो, एक दफा एक बार होने दो। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान ने, एक भी आउट नहीं हुआ पाकिस्तान का और 10 विकेटों से हराया है। ऐसी मौत कभी इंडिया कभी जिंदगी में नहीं हारा होगा जो पाकिस्तान से कल हारा है। और हमेशा इंशाल्लाह पाकिस्तान ऐसे ही खेलेगी। अच्छा, इस बात की खुशी पूरी दुनिया में ट्रैवल कर गई। आज हम जिससे भी मिले हैं वो खुश है। मेरा दिल कर रहा है यहाँ 10 प्याले पहाड़ दूँ मैं गरीबों में। क्या करूँ? 10 प्याले पहाड़ दूँ, किसी को खिला दूँ मैं। 10 प्याले पहाड़ दूँ जी, आज जितना कमाया सारा इस पर दे दूँ मैं पाकिस्तान टीम की खुशी। टीम के ऊपर क्या खुशी नहीं, शहीनजा ये गलत किया कि आमिर को निकाल दिया। आमिर को भी होना चाहिए था, हसन रूफ की जगह आमिर को खिलाना चाहिए। एक स्पिनर की जगह बनती है, कोई क्लासिकल स्पिनर नहीं है हमारे पास, स्पिनर की कमी है। आपने गौर किया? स्पिनर अमाद वसीमा भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, ना शहदाब का इतनी खास वो कर रहे हैं। उनका स्विंग वो नहीं चल रहा। कल शहदाब भी जो है ना, नहीं वो गुजारा गुजरा तो कर गए लेकिन वो बात नहीं थी। स्पिनर अच्छे नहीं है पाकिस्तान के पास बैटिंग, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान की फास्ट बहुत अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन अच्छा, वो हसन को मार पड़ी है, वो रऊफ बच रहे थे, रऊफ की वेरिएशन बहुत अच्छी थी। नहीं, रऊफ अच्छा बॉलर नहीं है, लेकिन कल इंडिया प्रेशर में देखें घबराया हुआ था इंडिया। क्या आज हमने उनको नजर रऊफ उनके लिए देखें कितना बड़ा नहीं वो हथियार बना हुआ था। ये तो बहुत बड़ा प्रेशर का कल मैच था। कल रऊफ ने बॉलिंग भी अच्छी की, रऊफ ने वेरिएशन दिया, लक था कल लेकिन बच गया। लेकिन वो लेकिन आपने देखा है वो जो स्लो डिलीवरीज कर रहा था। लेकिन इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि न्यूजीलैंड यहाँ पाकिस्तान में आई है और वह बगैर खेले चली गई है ना, एक बार इन्हें न्यूजीलैंड को हरा दें। और हमारा दिल तो वैसे जीत लिया कल के मैच ने, लेकिन इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के नाम पे है। टॉस ने बड़ा रोल प्ले किया कल, कल बाबर आजम ने बहुत अच्छा फैसला किया कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है। आई एम प्राउड ऑफ बाबर आजम, आई एम प्राउड पाकिस्तान। आप आज दिल कर रहे सबको बांट दें जी, मैं 800 को मारता हूँ, मेरा दिल करता है 800 याद किसी गरीबों को खिला दूँ। इसके अंदर खुश हैं वो, तो घर क्या लेके जाएंगे? कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएंगे, दाल से गुजारा कर लेंगे। तेरी खैर हो जी, क्या खूबसूरत जज्बा है जी। सलाम है भाई आपके जज्बे को। यकीन मानो कल मैं छुट्टी करके खाली मैं मैच देखने के लिए बैठेगा, पूरा मैच देखना है। एक एक बॉल देखी, एक बॉल देखी, जिस तरह मार पड़ी है ना उनके बॉलरों को, दिल खुश हो गया। बुमराह ये है, बुमराह वो है, क्या बुमराह की एक बॉल अच्छा था, सिर्फ एक बॉल। क्या बुमराह, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के सामने। नहीं, बहुत अच्छा बॉलर साबित हुआ है वर्ल्ड के लिए, लेकिन पाकिस्तान जब प्रेशर में नहीं खेलेगा तो सामने कुछ भी नहीं है। बाबर आजम को एक यॉर्क मारा उसने, वो जो स्टंप मिस करके गया वो अच्छा बॉल, वो अच्छी बॉल थी पाकिस्तान, लेकिन वो बड़ी अवे थी, वो सीधी थी नहीं। लेकिन जो कह रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग है, बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है, पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग। फील्डिंग कल देखे, कल उन्होंने एक एक बॉल मारी। शाहीन अफरीदी की एक मिस थ्रो के अलावा जो उन्होंने विकेटों की तरफ मारी, उसके अलावा सारा ठीक रहा। बहुत जबरदस्त फील्डिंग थी पाकिस्तान की, बहुत अच्छी इन्होंने प्लानिंग की थी। जो प्लानिंग की थी उन्होंने पहले मैच से पहले कहा था कि हमारा मेन, शाहीन अफरीदी ने कहा था मेन 6 ओवर में हमने 2 विकेटें लेनी है, 3 विकेटें लेनी है, लेकिन वही हुआ 3 विकेटें लेने के बाद, और वो पाकिस्तान और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। मेरा ख्याल है कि उन 3 विकेटों का प्रेशर ये बना कि 50 रन कम बने इंडिया के। हाँ, इंडिया 200 अप कर सकता, बड़े आराम से कर सकता था, 210-212 पे उन्होंने ले जाना था। पाकिस्तान ने कल अगर जीतना, 180 प्लस तो नॉर्मल था ना, 180 प्लस तो कुछ नॉर्मल था। अगर देखें आप 151-152 बन गया, अगर 10 ओवर में 60 स्कोर था तो अगले 10 ओवर में उन्हें कितना मारना था। लेकिन जितने भी तजियाकार हैं वो कहते हैं कि 180 प्लस होता तो फिर पाकिस्तान टीम पे बड़ा प्रेशर आना। बॉलिंग पीछे है लेकिन बैटिंग पीछे इतनी खास नहीं, लेकिन कल बैटिंग पीछे, कल बैटिंग पीछे अबूजाबी वाली लगा के बैटिंग पीछे। इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीतेगा, न्यूजीलैंड को भी हराएगा, और आप इसी तरह 800 बांटते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा पोज जज्बा है यकीन मानो, पाकिस्तान की टीम का मैच होता है हमारा दिल करता है कि आज कुछ भी ना खाएं, ये बस सिर्फ मैच देखते रहें। और कल मैं काम भी नहीं गया स्पेशली सिर्फ मैच के लिए, अगर मैच का एक एक बॉल देखूं मैं। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ कल का, और यकीन मानो हमारा दिल बहुत खुश है। ये तारीख में कितने अरसे के बाद हुआ, कम से कम 10-15-20 साल के बाद पाकिस्तान मैच जीता है, और इतने टाइप क्लास से जीता है कि एक भी पाकिस्तान की ओपनिंग ही आउट नहीं कर सके। ये देखें, ये कमाल है, ये कमाल किया उन्होंने। 10 विकेटों से वो कभी हारे नहीं और हम 10 से कभी जीते नहीं जी। वो पाकिस्तान की ये होते हैं ना, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है पाकिस्तान सिर्फ 100 पे अल्टीमेट होते, कभी क्या होता है प्रेशर में आते हैं, लेकिन इमरान खान की मीटिंग ने उन्हें बहुत हौसला दिया है। वाकई ठीक बात, ये वाकई उनको बहुत हौसला दिया है। और ये भी होना कि अभी जीतने वालों के लिए उन्होंने कहा था कि डबल फीस कर देंगे, जो जीतेगा उसको डबल फीस देंगे हर खिलाड़ी को, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से डबल फीस थी, डबल मैच के ऊपर बोनस मिलेगा, ये वो करके ना
कुछ तो इसलिए किया होगा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा की है पाकिस्तान ने कल के मैच में। जितना नॉर्मल क्रिकेट खेला है ना बाबर और रिजवान, नहीं जो उनकी एक्सपर्ट ही है 152 तो उन्होंने बहुत छक्का चौका मारा बस। टेक्निकल टर्म में नॉर्मल क्रिकेट कहते हैं, नॉर्मल क्रिकेट कहते हैं, जिसमें कोई पहाड़ फतह नहीं आपने करना होता। लेकिन इंडिया से जीत गए ये पहाड़ फतह करने से भी बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात जी। है। लेकिन स्क्रीन देख के क्या लग रहा था कि नॉर्मल है सारा? नॉर्मल है, कोई मसला ही नहीं? नहीं कोई मसला नहीं, कोई बम्बी फ्लाइट नहीं है? नहीं। और ये सिर्फ इंडिया हाय हाय इंडिया हाय ये इंडिया 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 क्या कुछ भी नहीं है इंडिया। और पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी टीम है इस बार जो की है, लेकिन स्पिन बॉलिंग नहीं है पाकिस्तान के पास सिर्फ। ये फर्क है ना, एक बंदे की कमी है, जी कमी है। बहुत अच्छा स्पिनर चाहिए, चाहिए स्पिनर सईद अजमल जैसा, सकलान मुश्ताक जैसा चाहिए, मोहम्मद मुश्ताक जैसा। सईद अजमल बहुत अच्छा स्पिनर था, लेकिन इस बार माइकल असीज से पड़े थे, उसका रिकॉर्ड थोड़ा खराब कर दिया 3 बॉलों पे, लेकिन ओवरऑल वो निकाल जाता था ना, निकाल जाता था, अच्छा बॉलर वो निकाल जाता था अक्सर। लेकिन मोहम्मद आपको याद है वसीम अकरम की कप्तानी में सकलान मुश्ताक को आखिरी ओवर दिया जाता था अक्सर, बहुत अच्छा, वो भी अच्छे स्पिनर हैं। लेकिन लेकिन इसको हारिस रूफ की जगह कल अगर कोई अच्छा स्पिनर खिला जाते तो और भी 150 भी नहीं बनना था, बड़ा फायदा हो जाता, 120 तक ऑल टीम आउट। वो कल स्पिनर्स को खेलते हुए हेजिटेट थे, बहुत इजीली वो नहीं मजा नहीं, वो उन्होंने ये विकटें कम से कम 11-12 ओवर में ऑल टीम आउट हो जाती है अगर पाकिस्तान के पास स्पिनर होते तो। ये पीछे हैं स्पिनर, ये पिच उन्होंने कुछ बॉल अच्छे गिरे उसके शादाब के, कुछ बॉल बेहतर गिरे, कुछ बड़े लूज किए उसने। नहीं कल का मैच अगर इंडिया प्रेशर में था तो शताब और हमाद दोनों को ही मार पड़नी थी कल के मैच में, अगर प्रेशर में ना होता, प्रेशर में ना होते तो यहाँ पहले हमारी आ जाती बैटिंग आ जाती तो पाकिस्तान फिर भी इजीली प्रेशर में आ जाता, क्योंकि लास्ट टाइम में बॉलिंग करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, घबरा जाते हैं। लेकिन स्टार्ट में पिच में मूवमेंट थी फिर भी जी हाँ, बाद में नहीं थी मॉइस्चर की वजह से, ड्यू फैक्टर की वजह से। चले इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रिजवान को कौन छोटा कह रहा है भाई? नहीं ये रिजवान बड़ा महान आदमी है, बैक बोन है, जाहिर बात बैक बोन है, विकेट कीपर जो है वो तो बैक बोन है, जाहिर बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गयूर। क्या करते हैं? मैं बिजनेस है मेरा ब्रांथ रोड पे। क्रिकेट की बड़ी समझ है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी आती है उतना पता है। कल देखा मैच सारा? अल्हम्दुलिल्लाह सारा देखा। क्या आपको क्या कोई ऐसी चीज नजर आई हो जो डिफरेंट हो, किसी ने ना देखी हो? सारी बातें डिफरेंट यही नजर आया है कि जो आजकल के क्रिकेट के प्लेयर है ना वो पिछले प्लेयरों से डिफरेंट है, वो प्रेशर नहीं लेते, कॉन्फिडेंस से खेलते हैं, जैसा कि आपका बाबर आजम खेला, रिजवान खेला, शाहीन आफरीदी बहुत ज्यादा बॉलिंग की, शायद शाहीन आफरीदी ने पहला जो बॉल किया उसको भाई मिसाइल थे वो, मैं तो रिप्ले देख देख के हैरान हो गया हूँ। पाकिस्तान सर सर सुने सर, वो जो तीसरी बॉल उसने की है रोहित शर्मा वाली, रोहित शर्मा वाली, अच्छा वो तीसरी बॉल आप देखें वो क्रिकेट की हिस्ट्री की गैर मामूली बॉल है, बहुत बहुत आला बॉल किया। फिर उसने जो राहुल को किया, राहुल वाली तो अनबिलीवेबल बॉल हो गया, अंदर आया बॉल बहुत ज्यादा अंदर आया, इतना पिच में मूवमेंट नहीं था जितना आया। वो कमेंटेटर पूछ रहा था सर उन्हें मैन ऑफ द मैच देने वक्त, वो उन्हें पूछ रहा था, ये तो तय था कि मैन ऑफ द मैच शाहीन अफरीदी होंगे, बहुत सारे दोस्त हमें कह रहे थे जब मैच हम देख रहे थे कि मैन ऑफ द मैच रिजवान है। नहीं नहीं मैंने कहा नहीं यार, वो इतने बड़े प्लेयर्स को मैच खत्म किया तो शाहीन ने किया, पहले जो बॉल की है, पहले जो विकेट लिए हैं शाहीन अफरीदी, ये आप मानेंगे कि 40 से 50 रन सेव किया उसने, जारी बात है उसे 35 तो कहीं नहीं गया। रोहित शर्मा 100 का प्लेयर है, रोहित शर्मा राहुल 50 का प्लेयर, ताद लगा लें 210 तक जाना था, 210 200+ था रन, अगर उनकी बैटिंग लाइन चलती बड़े आराम से 200+ था रन, कोई मसला ही नहीं था उनके लिए, कोई मसला नहीं है उनके एंड तक। फिर उनके पास प्रेशर इतना पड़ा कि राहुल रहता कोहली खेलने जगह, राहुल के रोहित जो है रोहित शर्मा रहता तो ये कहां तक जाना था? मेरे ख्याल से 2+ होना था, बड़े आराम से होना था, वो चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन कल स्पिनर की कमी महसूस होती रही, जाहिर बात है एक स्पिनर चाहिए था, जाहिर बात है स्पिनर बहुत फाइन होता, लेकिन वैरायटी वाला नहीं, उनका स्पिनर भी अच्छा था जिसने बॉल बहुत अच्छे बॉल की है, लेकिन वो ये है कि बाबर ने और बाबर आजम ने और रिजवान ने बहुत अच्छा खेला,
आउटस्टैंडिंग खेला। कल वो थोड़ा डल लगा वो हसन हसन नहीं वो होता है, जारी बात है 11 प्लेयर खेल रहे हैं, सब एक जैसा तो नहीं खेल सकते, थोड़ा सा होता है। कैपेसिटी बहुत बेहतर की है, पर हारिस राउफ ने बहुत अच्छे बॉल किए कल, ये वाली बात है। हारिस से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने जो लास्ट बॉल की है, लास्ट ओवर की है, दोनों बहुत ही अच्छे किए हैं। उनकी ज्यादातर उनकी ग्रिप मेरे ख्याल से उनको स्लो बॉल ज्यादा करने चाहिए, वो कम करते हैं, लेकिन स्लो बॉल वैरायटी बहुत वैरायटी है। हसन का स्लो बॉल पकड़ा जा रहा था कल, उसका नहीं पकड़ा जाता, हारिस राउफ साहब का नहीं पकड़ा जाता। तो जो दो कंसेक्यूटिव छक्के उसे पड़े हैं, हाँ जी वो किस वजह से पड़े? अनबिलीवेबल छक्के, वो छक्के छक्के नहीं मानूंगा मैं, वो तुक्का मारूंगा। दोनों तरफ से हाथ छोड़े, दोनों तरफ से एक 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 हाथ निकल गया, एक शॉट पूरा था स्ट्रेट वाला उसमें से लेग वाले में भी टाइम बहुत अच्छा हो गया, टाइम अच्छा हो गया, हाथ छूट गया। वो तुक्के शॉट होते हैं, वो बैटिंग शॉट नहीं, अच्छे बैट्समैन वाले शॉट नहीं थे वो, लेकिन वो नजर आया वो प्रेशर पे थे प्लेयर, वो उनका विकेट कीपर प्रेशर पे था। इतनी ढीली ढाली आपने कोहली की कभी हाफ सेंचुरी देखी है? नहीं, वो बहुत प्रेशर पे था, उसी के प्रेशर की वजह से धोनी को लाए गए हैं उसकी टीम में। देखे धोनी का काम ही नहीं है इस क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में, पर धोनी आया हुआ है क्यों? उसको बैकअप करने के लिए, कोहली को अपनी टीम को बैकअप करने के लिए आया हुआ है। आज सारे इंडियन एंकर्स जी जी तजियाकार जी जी, कल रात से वो सारे उनकी जुबान बदल गई, कहानी बदल गई, अफसाने बदल गए, सारा कुछ बदल गया। जब मौका बदल गया, अब रोना 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 ही रह गया उनके लिए। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान अगला मैच भी बड़े अच्छे मार्जिन से। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। और मैच भी देखा आपने? जी मैच देखा मैंने, फिर माशाल्लाह बहुत अच्छा मैच हुआ है, पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जीता है। कुछ गा के बताएं पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए जागा के दिखाएं। जदों तेरी दुनिया जे प्यार टूर जाएगा, दस तेरी दुनिया च की रह जाएगा, जदों तेरी दुनिया च प्यार टूर जाएगा, दस तेरी दुनिया च की रह जाएगा, जदों कोई प्यार दिया कसमा न खाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबान, थैंक यू सो मच। और मैच की सुनाएं? मैच अल्हम्दुलिल्लाह जी विन कीता। पूरी बात बताएं, मुझे पूरी बात बताएं, इस तरह नहीं। पूरी बात क्या बताऊं? किस बेगम के साथ बैठ के देखा? ओ यार ना करया करो, मैं नहीं देना ऐसा टॉपिक पे गल नहीं करनी, और किसी टॉपिक पे। अच्छा हां, अकेले ही देखा आपने? हां जी अकेले ही देखा। फिर क्या हुआ? दोस्तों के साथ देखा। तो फैमिली के साथ नहीं देखा? नहीं फैमिली के साथ नहीं देखा। तर्दीद कर रहे हैं आप मेरी खबर की? तर्दीद कर रहे हैं आपकी खबर की। ओके, क्या हुआ फिर? जी माशाल्लाह जी विन किया पाकिस्तान ने, वन साइडेड मैच विन किया पाकिस्तान ने, सारी प्रेडिक्शन है पंडितों की इतनी, हाँ इतनी बड़ी तारीख रकम की मनती है भजन। मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ जी। जो प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं, हाँ जी, उन्हें अंदाजा नहीं है अभी कि वो कितने बड़े स्टार बन चुके हुए हैं। भजन स्टार अल्लाह ताला ने बना दिया, स्टार बने हैं, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, स्टार्डम जो होता है ना, स्टार्डम उन्हें अभी दिखाई नहीं दिया, उन्हें वापस आ लेने दें भाई। अभी उन्होंने स्टार्डम एंजॉय नहीं किया, स्टार्डम एंजॉय करना जब उन्होंने पाकिस्तान उतरना। हाँ जी, तब स्टार्डम एंजॉय होगा, अभी तो कुछ उन्हें नहीं, तब दिखाई देगा कि हुआ क्या बेसिकली, दिखाई देगा कि वन साइडेड मैच जी इतना कहते किसको है, इतनी बड़ी तारीख, इतना नफासत से, इतना कारीगर तरीके से, इतने कारीगर तरीके से सारे उनके पंडितों की प्रेडिक्शन है उन्होंने रद्द कर दी। तोता फाल पंडित साहब हरभजन सिंह साहब सबकी उन्होंने, सहवाग साहब फरमा रहे थे, सहवाग साहब फरमा रहे थे कि जी हम अपना मैच जीतेंगे इंशाल्लाह, और बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे। कल सहवाग साहब पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकते थे, समझे कि नहीं। तो दूसरी बात ये है कि भजन ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना वही लेके डूबता है। मेरा ख्याल है कि इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है इंसान को गुरूर, कौम को भी, इंसानों को भी, इंसान को गुरूर में अंधा नहीं होना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। हाँ जी करना तो करें, गुरूर करें, जो अब हम जीते हैं हम गुरूर हैं, हम करेंगे गुरूर, नहीं, गुरूर। अपनी जीत पे हमने गुरूर करना, जीतने से पहले गुरूर नहीं करना। बैट्समैन बल्ला तभी उठाता है जब सो होता है, फखर कर लें भजन। बैट्समैन बल्ला तभी उठाता है जब सो होता है, कभी 99 पे उसने बल्ला उठा के गया नहीं ना, कहा तो 100 भी बल्ला उठाया ना हमने, क्या बात, हमने 100 भी बल्ला उठा के गया कि हम जीत गए हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या कि इस तरह होगा? मैं कहता हूँ 110% कर रहे थे, हमने नेगेटिव लिया ही नहीं मैच को। मेरी बात नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ कि
हमारे जितने भी तजिया कार थे, जितने प्लेयर्स सीनियर प्लेयर्स, वो सारे यही कह रहे थे कि टफ है, टफ है, टफ है, बड़ा मुश्किल है। हमने पाकिस्तान का नाम डाला प्यारे, क्या किसका मैच है? प्यारों का मैच है, समझे कि नहीं? हार जीत एक बात की बात है, पहले हमने प्यारों के साथ खड़ा होना, समझे कि नहीं? प्यारों के साथ हमने पॉजिटिवली खड़ा होना। अगर आपके नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में है ना, तो फिर तो आप तो आधा तो हार गए हैं। अब इंडिया जब वापस अपने वतन उतरेगा तो वो वतन सुना तो सही, सुन तो लें, वो जब उतरेंगे तो एक लंदन क्या होगा, लंदन वापस नहीं उतरेंगे, लंदन वाले हो रहे। आईसीसी इतना पैसा ला के हार गई, पीसीबी इतना पैसा ला के हार गई, और ये क्या नाम है इसका, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है इतना पैसा लगा के हार गई है, इन्हें लंदन भी नहीं रहने देना, इन्हें श्रीलंका लाओ, बांग्लादेश लाओ या भूटान लाओ। सुडान भी ठीक है? नहीं नहीं, सुडान नहीं ठीक है, सुडान वाले मारेंगे पाकिस्तान, वो मुसलमान है, उन्हें जाने 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 देंगे। नहीं, सुडान वाले ने बीच में मुस्लिम प्लेयर्स भी हैं यार, टीम के साथ तो इस तरह ना करें। किसकी टीम के साथ? टीम तो एम्बेसडर होती है, और टीम देखें कल कोहली कितने प्यार से मिला, और ये ग्रेस देखें सर, सुन लें सर, देखें देखें सर, देखें सर, ये गुजारिश सुन लेना, ये देखे ना ग्रेसफुल एक मूवमेंट होता है। ग्रेस पता कब आती है? ग्रेस आती है छितरों से बचने के लिए, ग्रेस आई है। नहीं, वो इस तरह कैसे छितरों से बचेगा? इस तरह इसलिए अगर आप यही मेयार रखे तो देखे, एक ऑप्शन ये भी था कि ना मिलता। फवाद भाई मेरी बात सुना, बात पता क्या है, जब आप हार जाते हैं ना, फिर आपके पास एक ही चीज रहती है, वो होती है मोरालिटी, समझा कि नहीं? उसने मोरालिटी शो की है, जब आप हारते ना, खुदा ना हारता, पूरी ऑप्शन थी ना मोरालिटी, कोई भी दिखाता चुप करके चला जाता, किसने देखना था? ओ भाई जान, बाज या ग्राउंड थे भी छितर पड़ने थे, फिर ग्राउंड ग्राउंड में इधर रही। मैं ये कह रहा हूँ, जो जैसे आप पता क्या कह रहे हैं, उसका मुजाहिरा करके ना, क्या कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि ये काम उसने मजबूरी में नहीं किया। क्या है? अच्छा जरफ वाला इंसान ही इस तरह कर सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे मजबूरी में किया। मेरी बात सुने, बात पता क्या, कुछ चीजें जो होती है ना वो मजबूरी बन जाती है वक्त के तनासुब से। कॉन्फ्रेंस में भी उसने यही कहा कि पाकिस्तान का जिस दिन दिन होता है ना, उस दिन उसको पूरा दुनिया हराने की कोशिश करे तो वो उसे हरा नहीं सकता, आज पाकिस्तान का दिन था। नहीं, ये कौन नहीं करता, ये कौन? अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये देखें कि मजदूर हो, दिहाड़ीदार हो, उसका किसी भी शोबे जिंदगी से ताल्लुक हो, खुशी की ऐसी लहर लाहौर भर में इससे पहले हमने नहीं देखी कि लोग अपनी तंग दस्ती, अपना अफलास, अपनी गुर्बत, अपने कम कमाए हुए पैसे भूलकर फकत ये कह रहे हों कि पाकिस्तानी तारीख, पाकिस्तानी टीम ने एक तारीख रकम कर दी। ऐसा बहुत कम हुआ है, और ये आप लोगों के जज्बात सुन भी रहे थे। फासिबाज़ खान को इजाज़त दीजिए, हालांकि पान